ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो सिमरन करे ओम का, शुद्ध आत्मा हो। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न को, जो सिमरन करे ओम का, शुद्ध आत्मा हो। ओम, मैं आज आपके सामने अपनी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हिंदू प्रथाओं के अनुसार, जो हम सनातन धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने विचारों में शुद्धि लाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूं। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए हिंदू धर्म के बारे में मेरे विचार। हमारा धर्म बहुत पुराना धर्म है और इसके मानने वाले सभी लोग इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो मान्यताएं हैं वो इतनी गूढ़ हैं कि उन्हें मानते हुए हम अपने भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं तथा अपनी भावनाओं को सुधार सकते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा पाठ की प्रथा है। जो भी पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, अपनी आत्मा को सोचता है कि यहां मंदिर में आकर शुद्ध हो गई है। मूर्तियों में ही भगवान तलाशता है। मूर्ति रूपी जो भगवान है उन्हीं में आस्था रखता है और उन्हीं की पूजा करता है। इंसान सोचता है कि जो कुछ है इन्हीं की पूजा में है, इन्हीं की आराधना में है। सुबह उठता है, अपने इष्ट देव को याद करता है, फिर अपनी दिनचर्या में लग जाता है। अपनी दिनचर्या से सेवानिवृत्त होकर फिर स्नान करके अच्छे भाव से मंदिर के अंदर ज्योत बत्ती लगाने चला जाता है। अब हिंदू धर्म के देवता बहुत ज्यादा हैं तो मान्यताएं भी इतनी ही ज्यादा हैं, क्योंकि कोई शिव भगवान का की आराधना करता है, उसी में विश्वास करता है कि जो कुछ मेरे जीवन में घटित होगा, शिव बाबा, शिवजी महाराज अपने आप संभाल लेंगे। कोई विष्णु भगवान की पूजा करता है तो सोचता है कि ये तो हर जगह कार्य को संपन्न करने में सक्षम है, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो विष्णु भगवान के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्य की स्थापना करते हुए विष्णु भगवान की आराधना सबसे पहले होती है, क्योंकि गणेश जो बनाया जाता है वो पहले के समय की मान्यता है कि एक मिट्टी की डली पे लाल धागा बांधकर, जो कि कच्चे सूत का होता था, सबसे पहले पूजा के स्थान पर गणेश जी को रखते थे, क्योंकि कहते हैं श्री गणेशाय नमः के परमात्मा
गणेश जी के द्वारा जो हमारी स्थापना की गई है वो बहुत ही अद्भुत है। अब कोई कृष्ण भगवान को मानता है, सोचता है कि ये तो हारनहारों के पालनहार हैं और जो भी दुखी जीव होता है उसके प्रति हमेशा ही आगे खड़े मिलते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि कृष्ण भगवान ने कहां कहां जाकर किस किस की सहायता नहीं की, जिन्होंने कृष्ण भगवान की सहायता की वो तत्पर ही वहां पहुंचे और किसी न किसी रूप में उस अपने भक्त की सहायता अवश्य ही की। कहते हैं कि भगवान भगत के बस में है। यदि हम सच्ची आराधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो परमात्मा भी हमारा उतना ही ध्यान रखता है। जिस लो से, जिस जुनून से हम परमात्मा की आराधना करते हैं, उसी जुनून से परमात्मा भी हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इसी तरह से मंदिरों के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं सब पाषाण युग की हैं। उनको ऐसा जीवंत उदाहरण दिया गया है, ऐसी घड़ी गई है कि जैसे आज ही इनमें प्राण प्रतिष्ठित होंगे और आज ही हमारे भले के लिए दौड़ पड़ेंगे। ये किसी बुद्धिजीवी का कार्य था कि मंदिरों में पाषाण युग के अंदर मूर्तियां बनवाकर मंदिरों में स्थापित की, ताकि लोग अपना रास्ता न भटकें और मंदिरों में आकर शांत स्वभाव से पूजा करें तथा एक दूसरे की भलाई का संकल्प लें, एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करें, परमात्मा से आराधना करें। प्रत्येक इंसान कहता है कि हे मालिक, हे देवी मैया, यदि मेरा फलां काम हो गया तो मैं आपके ऊपर इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। ए बजरंग बली, यदि मेरा काम हो गया तो मैं आपके इतने व्रत करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तथा आपके बताए अनुसार जो भी कार्य हैं उनको अवश्य करूंगा। इसी तरह से नियम व्यम बंद जाते हैं, सुबह उठ के मंदिर जाना उनका नियम होता है। जो इंसान नियम में बनता है उसका कार्य हमेशा सिद्ध होता है, क्योंकि परमात्मा ने भी ऐसे नियम बनाए हैं कि उनके अनुसार चलकर प्रत्येक इंसान अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। क्योंकि यदि किसी भी इंसान का परमात्मा में ध्यान है, सुबह जल्दी उठेगा, अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर उसके बाद नहा धोकर समय पर मंदिर जाएगा और समय पर अपने काम पर जाएगा, अपना काम निपटाएगा। क्योंकि परमात्मा ने व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हैं, जो उनमें बंध जाता है उसका कार्य हमेशा सिद्ध होता है। परमात्मा के द्वारा कहा गया है कि सुबह जल्दी उठना देवताओं का काम है, क्योंकि यदि हम यदि जल्दी उठते हैं तो हमें बहुत समय मिलता है कि उस सच्चे परमपिता की आराधना कर सकें, उसमें ध्यान ला सकें और अपने आप को समझ सकें कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आलस्यवश कोई भी इंसान देर से उठता है और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में अपने काम की हलचल होती है, देरी की हलचल होती है कि तेरा काम में देर हो गई है और अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, परमात्मा काम बांटता है, परमात्मा रिजक देता है, परमात्मा अन्न बांटता है। यदि कोई सुबह जल्दी नहीं उठता, उस परम पिता का ध्यान नहीं लगाता, तो उसकी झोली खाली रह जाती है। हमारी दादी कहती थी कि देर से उठना इंसान का कार्य नहीं है। यदि सुबह उठते हैं
तो परमात्मा बहुत खुश होता है और हमें काम करने के लिए देता है तथा भोजन की व्यवस्था वो अपने आप ही कर देता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठ के उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाकर उसे धन्यवाद देना चाहिए, ए मालिक तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा ही आसरा है और तेरे द्वारा ही मेरा जीवन चल रहा है, मैं जो करता हूं आपको सौंप देता हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। अपने समय में यदि हम प्रतिदिन को आखिरी दिन समझें तो किसी का बुरा न करें और सबकी भलाई का कार्य करें तथा परमात्मा में ध्यान रखें। परमात्मा का ध्यान ही सबसे बड़ा ध्यान है। इसीलिए जब हम किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां हमें इतनी शांति मिलती है कि हम सोचते हैं कि यही स्वर्ग है। हम जमीन पे बैठ के भी वहां भोजन करते हैं जहां भंडारा लगता है, तो हमें इतना स्वाद आता है, इतना भोजन स्वादिष्ट लगता है कि हम सोचते हैं कि इससे स्वादिष्ट तो कहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का प्रसाद है, उसमें परमात्मा के भजन का प्रसाद है, उसमें हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है। जिस भी आराध्य देव को हम पूजते हैं, जिस भी आराध्य देव की हम अर्चना करते हैं, हमारा ध्यान वहीं रहता है। जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे सामने वही परमात्मा आगे रहता है जिसकी हम आराधना करते हैं और सोचते हैं कि हमें हमारा परमात्मा ही भोजन परोस रहा है और हमें इसे बड़े स्वाद से खा रहे हैं। ये तो परमात्मा के दिया हुआ प्रसाद है, इसको एक किरक भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते और बड़े अच्छे भाव से खाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर भी अच्छी ऊर्जा पैदा करता है और हमारे अच्छे भाव पैदा करता है। तो हमेशा ये प्रत्येक इंसान ने आराधना करते हुए, परमात्मा में ध्यान रखते हुए अपने कर्म को भी सर्वोपरि बनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कर्म के लिए इंसान को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि जैसा कर्म बंदे करेगा वैसा ही तो मैं फल दूंगा, क्योंकि उसकी पोथी बहुत बड़ी है जैसा हम कर्म करते हैं। इसलिए परमात्मा में ध्यान करते हुए हमने अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए कि अच्छा कर्म करें, होश के तो दूसरों की भलाई करें, नहीं होश के तो ऐसा कार्य कभी न करें जो हमारे कारण किसी को दुख पैदा हो। मेरा आज का वीडियो यही था। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को भी शेयर कीजिए तथा मेरी बातों पर अमल अवश्य कीजिए। धन्यवाद।